संजीव ऐसा लगता है ये पूरा मामला जो है वो एमएलए से संबंधित है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? नहीं, अब तक कोई ऐसी कोई बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हल्की पूछताछ की जरूर सूचना आती है कि कुछ पूछताछ हुई, लेकिन क्या पूछताछ हुई इसको भी क्लियर नहीं किया है। पूरे के पूरे मामले जो हर दिन यहाँ बयानबाजी होती है, होम मिनिस्टर रोज ब्रीफ करते हैं प्रेस को, उसमें बड़े बड़े कुछ भी मामले आते हैं, सत्ताधारी दल से जुड़ा मामला आता है, मोशी छा जाती है, सरकार जाता है, उसमें जाता है। मैं इसी में एक और चीज बोलूंगा आशुतोष जी, एक और घटना थी रीवा की, एक घटना थी रीवा में सरकारी गेस्ट हाउस में रेप होता है, लेकिन जब अफसर का नाम वो आज तक खुलासा नहीं हो कि किस अफसर ने उसको हार्डकोर क्रिमिनल्स के 36 मामले दर्ज थे उसको कैसे वो दे दिया। तो जब अधिकारी या खुद पुलिस वाले फंसते हैं सरकार पे बनाती तो पूरे के मामले को गोलमोल करने लीवों को दी में लग जाती सरकार। ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनिष्क जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा, ये जो पूरा घटनाक्रम है आपने आपने सुना कि जो कुछ भी हुआ है उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि एक्सेप्शनल ये एक अपवाद मामला है? नहीं, एक्सेप्शनल तो इसलिए है कि किस तरीके से इनको हैरेस और ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरीके से इनको स्ट्रिप किया और मारा और पीटा और धमकाया, इसमें एक्सेप्शनल है। पर ये जो अटैक हो रहा है आजकल जर्नलिस्ट पे, और खासकर जो हमारे स्ट्रिंगर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं जिनके पास कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, और जहाँ उनके मीडिया हाउसेस भी उनको नहीं रिकग्नाइज करते हैं, और लोकल ये छोटी छोटी न्यूज लेकर के चल रहे हैं, अब उनको कहना बहुत आसान है कि वो गलत लोग हैं या वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या कुछ पैसा ले रहे हैं, ये बात ही, यू नो, दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। है जर्नलिस्ट, जैसे कनिष्ठ जी ने कहा, वो वहां पे थे अपने काम के लिए, उनका कैमरामैन था, वो कवर कर रहे थे, और फिर उस पर उन पर अटैक हुआ। ये बलिया का अभी केस हुआ है, उदिशा की अभी अखबार में रिपोर्ट भी आई है, फोटोग्राफ भी आई है कि जहाँ पे जर्नलिस्ट इस हैंड लेग कफ, पहले उसको इतना पीटा और जब वो बीमार हो गया पिटाई से तो उसको हॉस्पिटल में डाल दिया और उसको लेग कफ कर दिया। तो आई थिंक जो अरुण शौरी ने अभी कहा आशुतोष लिटिल वाइल अगो जो इंटरव्यूज दे रहे थे, उसमें एक चीज उन्होंने कही एंड आई थिंक वही है कि हमेशा अटैक्स होते थे, पर जो स्केल है वो ऐसा ज्यादा बढ़ गया है कि आज हर दिन एक नहीं बल्कि हर दिन कई हो सकते हैं, और हर जर्नलिस्ट एक फियर महसूस कर रहा है, डर रहा है अपने बेसिक काम से। तो हम लोग किस लिए हैं यहाँ पे, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि अगर आपको जर्नलिज्म नहीं चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, फ्री मीडिया नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं चाहिए, तो आप किस तरीके से हम लोग ये डेमोक्रेसी को चला सकेंगे? बिल्कुल सिंह साहब, ये मामला सिर्फ यही मध्य प्रदेश का नहीं है, पिछले दिनों जो बलिया में भी हुआ कि एक पत्रकार सिर्फ इसलिए जेल के अंदर डाल दिया गया क्योंकि उसने एक खबर की थी नकल से संबंधित, और उसके ऊपर आरोप लगा दिया तुम्हारी वजह से जो है वो पर्चा लीक हो गया, और वो कह रहा था मैं तो अपनी खबर कर रहा हूं और मैंने तो आपको सूचित भी किस किस के बारे में। तो ये जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये क्या है, क्या दर्शा रहा? देखिए, इसका डायमेंशन बड़ा हो रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका नेचर क्या है। अरुण शौरी की जो बात शिवाजी ने की, उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के बाद अगर ये सब कुछ हुआ तो ये डेमोक्रेसी गई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।